तो इस वीडियो में अपन यहाँ पर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली अपन को क्या पता होता है, क्यूबिक इक्वेशन में अगर एक रूट पता हो तो अपन बाकी के दो रूट निकाल लेते हैं, लेकिन जब एक रूट नहीं पता हो तो यहाँ पर तुम ये जो बाइसेक्शन मेथड है जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा उसका यूज कर सकते हो इस इक्वेशन के रूट निकालने के लिए। और भी बहुत सारे, इनको न्यूमेरिकल मेथड्स बोलते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके हेल्प से तुम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन अपने पास x³ - 4x - 9 = 0। तो अपन को, वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट होंगे, लेकिन अभी अपन एक ही रूट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे तुम्हें पता है कि ये बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करता है। तुम्हें पता है कि मान लो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक पॉइंट पर वैल्यू उसकी नेगेटिव है और दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव, बी पर मान लो कुछ पॉजिटिव, और फंक्शन इस तरीके से यहाँ पे ये जा रहा है। तो तुम्हें पता है कि एक जगह पर वो मतलब एक्स एक्सिस को भी क्रॉस करेगा जो रूट होगा बेसिकली। तो बेसिकली उसी प्रॉपर्टी का यूज करता है, लेकिन अपन इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए होगा, तो उसके लिए ये प्रोसीजर है। तो जैसे यहाँ पे तुमने शुरू में, यहाँ पर तुमने डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखी एक्स की, तो शुरू में तुमने 2 पुट किया, तो यहाँ पर अगर तुम 2 पुट करोगे तो 2³ - 4 × 2 - 9 आएगा। तो ये 8 - 8 और ये -9, तो ये -9 यानी नेगेटिव आ रहा है। वैसे ही तुम यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये 3³ - 4 × 3 - 9 आएगा, तो ये बेसिकली पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे अपने पास शुरू में ये दो वैल्यू मिल गई, 2 और 3। अब अपन को पता है कि 2 और 3 के बीच में रूट लाई करेगा। तो अब अपन और एग्जैक्टली अब ये जो इंटरवल है इसको अपन और भी श्रिंक करते जाएंगे, और श्रिंक करते करते इतना कर देंगे ताकि अपन बता सके कि एग्जैक्टली रूट का है। तो अभी तो यहाँ पर ये इंटरवल 2 और 3 के बीच में, तो अभी तो ये अपन बता नहीं सकते, अभी अपन को और एक्यूरेट होना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक और पॉइंट जो यहाँ पर इस इंटरवल का मिड पॉइंट है उस पर इसकी वैल्यू चेक करके देखते हैं। तो 2 + 3 / 2 करोगे तो ये 2.5 आएगा। तो 2.5 पर अगर तुम ये जो x³ - 4x - 9 इसकी वैल्यू चेक करो तो 2.5³ - 4 × 2.5 - 9 आएगा। तो ये अगर तुम चेक करोगे इसको कैलकुलेट करके तो ये नेगेटिव आएगा। तो अपन को पता है कि ये जो 2 है उस पर भी इसकी वैल्यू नेगेटिव है, और ये जो 2.5 है इस पर भी इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसको अगर तुम 2 मानो और इधर यहाँ पर अगर मैं 2.5 मान लूँ तो दोनों पे नेगेटिव आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो 3 है उस पर पॉजिटिव है। और मुझे ये भी पता है कि एक जगह नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव है तो बीच में लाई करेगा। तो अब मैं अपने इंटरवल को इतना छोटा कर सकता हूँ, यानी 2.5 से 3 के बीच में कर सकता हूँ अभी मैं इंटरवल को। अभी मैं एक वैल्यू और कैलकुलेट करने के बाद ये बता सकता हूँ कि अभी मेरा रूट है 2.5 से 3 के बीच में लाई करेगा। पहले मैं बता सकता था कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो वैसे ही अब अपन यही प्रोसीजर बार बार अप्लाई करते जाएंगे बेसिकली। तो अभी यहाँ पर इस पर नेगेटिव आई, तो अभी मैं बता सकता हूँ कि x1 और 3 के बीच में लाई करेगा। x1 क्या अपना 2.5, तो 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो अपन क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, तो इन दोनों के मिड पॉइंट है वो 2.75 आएगा, उस पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास 2.75³ - 4 × 2.75 - 9। तो अभी तुम चेक करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो अभी अपन ने देखा कि 2.5 पर नेगेटिव आ रहा है लेकिन 2.75 पर पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी अपन को पता है कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो अभी अपना इंटरवल और भी छोटा हो गया। तो अभी अपन को पता है कि 2.5 और 2.75 के बीच में लाई करेगा। तो अभी अपन वापिस इन दोनों का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, तो वो आएगा 2.625। और उस पर अगर तुम वैल्यू चेक करोगे तो 2.625³ - 4 × 10 - 9, तो ये नेगेटिव आएगा। तो अभी अपन को पता है कि 2.75 पे तो पॉजिटिव आ रहा है एंड 2.625 पे नेगेटिव है। तो अभी अपन को पता है कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अगेन अपन इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो 2.6875 आएगा। और वैसे ही इसको अगर तुम वापस करोगे तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव देगा, और उसके अकॉर्डिंग तो तुम उस इंटरवल को श्रिंक करते जाओ। तो ऐसे ही अगर तुम 5th टाइम निकालोगे, 6th टाइम निकालोगे, 10th टाइम तक निकालोगे, तो तुम यहाँ पे देखोगे कि ये जो लास्ट में वैल्यूज है, जैसे x 8 करने पर, तो अभी अपन ने ये x 4 देखा, यानी जो मिड पॉइंट था इंटरवल का। तो अभी जब तुम x 8 करोगे तो मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल ये हो जाएगा।
X9 करने पर तुम चेक करोगे तो ये आ रहा है, और X10 करने पर भी आ रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा इन वैल्यूज में। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि अपना जो इंटरवल है इतना छोटा हो गया कि यहाँ नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव था, इंटरवल इतना छोटा होगा कि अगर तुम बार बार अब इटरेशन करते जाओगे तो ये जो मिड पॉइंट है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरवल में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। तो बेसिकली यहाँ से अपन बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास लाई करेगा तुम्हारा रूट, यानी 2.706। यहाँ पर अगर तुम ये वैल्यूज फंक्शन में पुट करके देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास आएगी तुम्हारी वैल्यू। तो तुम अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो कि रूट, एक रूट ये है उस इक्वेशन का। तो इस तरीके से यहाँ पर इस मेथड को अप्लाई करके अपन रूट फाइंड आउट कर सकते हो, और इसको तुम और इक्वेशंस पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो बेसिकली मैंने क्यूबिक इक्वेशन का तुम्हें बता दिया कि उस मेथड को अप्लाई कैसे करना है। तो आगे के वीडियोस में अपन और भी मेथड्स देखेंगे। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।